बच्चों, अब तक अब हमने दो चैप्टर पढ़े हैं साइंस में। फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेप्स क्रॉप प्रोडक्शन में होते हैं, कैसे हम फसलों को पेस्टिसाइड डाल के बचाते हैं, कैसे हम वीडिसाइड डाल के फसलों की रक्षा करते हैं। नाउ द सेकेंड चैप्टर वॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, इन विच वी हैव स्टडीड दैट देर आर फोर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, और वो हमें किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो हम सब दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके। नाउ द थर्ड चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड फाइबर? फाइबर मींस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड मतलब धागा। अब धागों से क्या बनते हैं? धागों से बनते हैं कपड़े। तो कपड़े जिन फाइबर से या धागों से बने होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरली अकरिंग जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कॉटन है, कपास है, रुई है, ये क्या है, नेचुरली अकरिंग है। दूसरे होते हैं नायलॉन, जो नायलॉन जो है वो भी, उससे भी कपड़े बनते हैं, लेकिन वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। तो इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स, इनका डिस्कशन करेंगे। नाउ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर आर फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, वूल, सिल्क आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? कॉटन होता है, रुई होती है, जूट होता है जिससे बोरे बनते हैं, वूल होता है जिससे हमारे ऊनी कपड़े बनते हैं, और सिल्क होता है जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स मेड बाय प्रोसेसिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, मेनली पेट्रोकेमिकल्स, जैसे नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये रुई का फ़ोटो दिया हुआ है, जूट का फ़ोटो दिया हुआ है, रेशम का फ़ोटो दिया हुआ है, नायलॉन का फ़ोटो दिया हुआ है, ये कॉटन है, ये जूट है, ये नायलॉन है, ये रेयन है। तो नायलॉन और रेयन ये तो है सिंथेटिक, जबकि कॉटन क्या है? नेचुरल। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? अ सिंथेटिक फाइबर इज चेन ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। जैसे इस फोटो में आप देखें तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारी पेपर क्लिप्स को आपस में जोड़ दिया तो एक लंबी चेन बन गई। तो फाइबर जो है वो भी इसी तरह छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे बीड्स या मनकों को या मोतियों को आपस में जोड़कर हमने माला बना दी। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे मोतियों को जोड़कर आपस में माला बना दी है। नाउ अ सिंथेटिक फाइबर इज चेन ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो जो स्मॉल यूनिट होती है जिससे कि लंबी चेन बनती है उसे आप बोलते हैं मोनोमर। और मोनोमर से बनता है क्या? पॉलीमर। तो पॉलीमर की स्मॉल यूनिट को आप बोलते हैं मोनोमर, और मोनोमर को से बनता है पॉलीमर। सो सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स।